यूपी के सीतापुर जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के रामगढ़ का मामला है, जहां पर युवक का विश्वास जीतकर कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि सपा के नेता और परिजनों ने पीड़ित से अपनी पेट्रोल टंकी किराए पर देकर विश्वास जीता, जिसके बाद पैसा न होने का हवाला देते हुए 5 बीघे जमीन पीड़ित अमरपाल को बेच दी गयी। इसके बाद युवक ने जमीन को खरीद लिया और बैनामा भी करा लिया, जिसके बदले 6 लाख रुपए आरोपियों को दे दिए गए। पीड़ित के मुताबिक कब्जा करने की जब बात आई तो आरोपियों ने दरवाजे पर जाकर अवैध असलहे और 2 अज्ञात लोगों के साथ जाकर जान से मारने की धमकी दी। इसी के साथ ही एसएक्ट लगाए जाने की धमकी भी दी गई है। वहीं आरोप यह भी है कि आरोपियों ने जमीन कब्जे की कोशिश करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली है। पीड़ित के मुताबिक मामले में मुकदमा तो पंजीकृत हो गया है, मगर दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। दूसरी तरफ आरोपी लगातार पीड़ित को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इस दौरान अगर कोई घटना घटित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आरोपियों की होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दबंगों पर क्या कार्रवाई पुलिस करती है। फिलहाल मामले में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उस पे कुछ दिन काम किया, लीज पे लिया हुआ था। कुछ दिन काम करने के बाद इन्होंने पैसे की ज़रूरत बताई और कहा हमारा खेत ले लो 5 बीघे और पैसे दे दो। तो हमने इनको 5 बीघे ज़मीन ले ली, 6 लाख रुपए दे दिए। और उसके बाद इन्होंने उस ज़मीन को कब्जा नहीं करने दिया हमें। अगर कब्जा लेके विवाद बढ़ा, उसके बाद हमने तहरीर भी दी, मारने पीटने की धमकी देते रहे। और उसके बाद हमने तहरीर दी, जिला प्रशासन को भी दी, जिला अधिकारी एसपी महोदय और सीओ साहब, थाना प्रभारी, सबको दिया हुआ है। लेकिन अभी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिला अधिकारी के आदेश पे एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं है। सीतापुर से जनमत न्यूज के लिए अनूप पांडे की रिपोर्ट।